मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से पांचवी तक के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। मई में परीक्षा खत्म होने के बाद कोरोना की समीक्षा की जाएगी, इसके बाद स्कूल खोलने या बंद रखने का निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में लगातार केस बढ़ रहे हैं, भोपाल और इंदौर में अधिक प्रभाव है, इसे देखते हुए हर सप्ताह समीक्षा कर रहे हैं। उसी के आधार पर बड़ी क्लास को खोले जाने का निर्णय किया जाएगा, लेकिन छोटे बच्चों की क्लास को अभी नहीं खोला जाएगा। मंत्री ने कहा कि अभी तो परीक्षा आयोजित कराना पहली प्राथमिकता है। सरकारी और निजी दोनों ही स्कूल के लिए गाइडलाइन जारी है। जहां तक 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा का सवाल है तो वे ऑफलाइन ही होंगी। हालांकि निजी स्कूलों को एग्जाम और अन्य क्लास की परीक्षा को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कराने की छूट दी है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने गुरुवार दोपहर रहने लायक सबसे टॉप शहर के साथ ही नगर निगम के काम की रैंकिंग भी जारी की। शिमला और बैंगलोर रहने लायक शहरों में टॉप पर है। वहीं 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में बैंगलोर और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में शिमला नंबर वन पर है। इंदौर 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले नगर निगम में काम के आधार पर नंबर वन पर है। भोपाल को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। रहने लायक शहरों में इंदौर एक पायदान पीछे फिसल कर 9वें नंबर पर पहुंच गया है, जबकि 2018 में शुरू हुई इस रैंकिंग में इंदौर 8वें पायदान पर था। मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने रिजल्ट घोषित करते समय इंदौर नगर निगम की जमकर तारीफ की। इंदौर में AICTCL ऑफिस परिसर के स्मार्ट सिटी कंट्रोल कमांड सेंटर में आयोजित हुए कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। रतलाम के देलनपुर गांव से गुरुवार को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की किसान महापंचायत की शुरुआत हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि किसान संगठन हर घर से एक मुट्ठी अनाज और 5 रुपए इकट्ठा कर किसान आंदोलन के लिए भेजेंगे। महापंचायत में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया और अरुण यादव ने शिरकत की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ना ही मंच पर बैठे और ना ही भाषण दिया। कांग्रेस जनता के बीच ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि ये महापंचायत पूरी तरह से किसानों की है। महापंचायत के साथ ही कांग्रेस का प्रयास है कि आगामी दिनों में आने वाले चुनाव में अपनी जमीन मजबूत की जाए और किसानों के एक बड़े वर्ग के सहारे केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाए। इस दौरान नेताओं ने कहा कि कृषि कानूनों से किसानों को लाभ नहीं होने वाला है, इससे किसानों को नुकसान ही होना है। ऐसे में केंद्र सरकार को ये तीनों कानून वापस लेना चाहिए। मध्य प्रदेश भी नाम बदलने में पीछे नहीं है। ऐसा ही एक नया मामला उज्जैन से सामने आया है, जहां नया बना चिंतामन स्टेशन उद्घाटन होने से पहले ही सुर्खियों में है। दरअसल स्टेशन का नाम भगवान गणेश के नाम से रखा गया है, लेकिन विवाद की स्थिति तब बन गई जब स्टेशन का नाम उर्दू भाषा में लिखा गया, जिसको लेकर आवाहन अखाड़े के संत महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है और स्टेशन के बोर्ड से उर्दू नाम हटाने का फरमान जारी किया है। बता दें कि महामंडलेश्वर आचार्य शेखर अक्सर अपनी जुबान से जमकर हमला बोलते रहे हैं। आज वे फिर उन्हें जब स्टेशन का नाम उर्दू में लिखे होने की जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि जेहादी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा लिखा गया ये नाम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में आज उस वक्त विरोध के स्वर गूंज उठे जब इंदौर की लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम को हटाकर मंत्री के दादाजी के नाम को आगे कर दिया, जिसको लेकर इंदौर में गुना में बदले गए नाम को लेकर विरोध शुरू हो गया है। अहिल्या की नगरी के लोगों ने गुरुवार सुबह इंदौर के राजवाड़ा पर सर्व मराठी भाषा युवा संगठन ने गुना में नाम बदलने का विरोध किया और अहिल्या प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को सद्बुद्धि देने हेतु ज्ञापन भी सौंपा। विरोध प्रदर्शन के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री महेंद्र सिसोदिया को चेतावनी दी गई कि रविवार तक चौराहे और सड़क का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।